Hello friends, welcome to Roaring Wind channel. Today I will be giving you an exclusive tour of beautiful homestay in Manali. तो friends, अगर आप मनाली जा रहे हैं तो मैं आपको होटल में रुकने के बजाय होमस्टे में रहने की सलाह दूंगा। होमस्टे में रहने से आपको एक अलग और ख़ास अनुभव मिलेगा जहां आप स्थानीय संस्कृति से जुड़ सकेंगे और घर जैसा आनंद ले सकेंगे। माइटी मनाली होमस्टे पहुंचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का हाइक करना पड़ता है। हर मोड़ पर जो नज़ारा आपको देखने को मिलता है वह वाकई अद्भुत होता है। हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती आपको मोहित कर देगी और आपको ऐसे लगेगा कि यह छोटी सी चढ़ाई बिल्कुल भी कठिन नहीं। इस खूबसूरत सफर के दौरान आपको चारों ओर हरियाली, चहकते हुए पक्षियों की मधुर आवाज आपके कानों में संगीत घोल देगी और बीच बीच में छोटे छोटे झरने मिलेंगे जो इस यात्रा को और भी खास बना देंगे। रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे भी मिलेंगे जो इस यात्रा को और भी रंगीन और सुंदर बना देंगे। इसके अलावा रास्ते में आपको कुछ पुराने पारंपरिक घर भी देखने को मिलेंगे जो इस क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। हाइक के दौरान आपके चारों ओर आपको रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ती हुई दिखेंगी जिससे यात्रा और खास बन जाती है। तो चलिए मिलते हैं चंद्रसेन भैया से। ये है माइटी मनाली होमस्टे के ओनर। भैया ने हमें दिखाया कैसे उनके होमस्टे से पूरा मनाली का नज़ारा दिख जाता है। तो ये आप आगे देख सकते हैं, मनाली सिटी कम्प्लीटली विजिबल फ्रॉम होमस्टे के बीचों बीच एक कॉमन एरिया है। यहाँ पे भैया बोनफायर का अरेंजमेंट भी करवा देते हैं। ये होमस्टे टू फ्लोर्स का है एंड एवरी रूम इज हैविंग किचन एंड बाथरूम। हालांकि यहाँ पे भैया और उनकी फैमिली अलग से खेती भी करते हैं। होमस्टे से पूरा मनाली का दिखने वाला नज़ारा मनमोहक है। अगर आपको शांति और सुकून से कहीं मनाली में रहना है तो दिस इज अ परफेक्ट होमस्टे फॉर यू। इसके बाद भैया ने हमें रूम टूर करवाई। रूम में एंट्री करते ही आप देख सकते हो आगे एक बड़ा सा बेड है और एक चेयर है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सीटिंग अरेंजमेंट है। ये हिमाचली स्टाइल का ही सीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने करके रखा है। ऑल्सो भैया ने हमें कुछ पेंटिंग्स दिखाई जो उनके लड़कियों ने की हुई थी। दोज वर वेरी ब्यूटीफुल। होमस्टे में आपको अतिरिक्त गर्म रजाई और कंबल भी दिए जाते हैं ताकि आपकी रातें आरामदायक हो। इसके अलावा नीचे आपको एक आयरन और हेयर ड्रायर भी मिलेंगे। होमस्टे के ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। होमस्टे में आपको एक अच्छा मिरर भी मिलेगा जिससे आपको अपनी परफेक्ट लुक चेक करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ एक किचन भी है। किचन में गैस की, ग्रोसरी की, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा मिलेगी। किचन के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हो ऊपर की अलमारी में ग्रोसरी भी दिखेगी।
चाय बनाने के लिए, पानी के लिए जो भी बर्तन की आवश्यकता है वो यहाँ पे अवेलेबल है। गर्म और ठंडा पानी दोनों पे अवेलेबल रहते हैं। नीचे के अलमारी में भी रिक्वायर्ड बर्तन की पूरी अवेलेबिलिटी है। किचन के बाजू में ही वॉशरूम की अवेलेबल है। वॉशरूम वेस्टर्न टाइप है एंड यहाँ पे भी स्वच्छता का सही से ध्यान रखा गया है। बड़ा सा मिरर, वाटर हीटर, एग्जॉस्ट, शॉवर, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल हियर। At the end of this video, we have provided address of this beautiful homestay and a contact number of this owner. So don't skip video, watch it till end. जैसे हमने बात की थी, रूम में हिमाचली स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट की भी अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे आप बैठ के आपका जो भी वर्क फ्रॉम होम है या फिर काम है या फिर कुछ गप्पे लड़ाना है, ये सब कुछ कर सकते हैं। और पर्दों के पीछे जो खिड़की है वहाँ से जो बड़ी विंडो है उससे पूरा मनाली का व्यू आपको दिखेगा। हमसे बोर हो गए, बाहर आ जाओ, मनाली दिख जाएगी। यहाँ से ही मनाली बस स्टैंड, मनाली मार्केट दिख जाते हैं। इसके बाद भैया ने हमें उनके घर के नजदीक का गार्डन दिखाया। ये साइड की जो रूम है उसके विंडो से ये पूरे पेड़ फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। इतने सुंदर फूल देखते हुए दिन गुजारने का मजा ही कुछ अलग है। घर के सामने वाले एरिया में भी अलग अलग तरीके के पौधे, अलग अलग तरीके के फूल आपको देखने को मिलेंगे। छत से दिखने वाला मनाली, स्नो माउंटेन्स, फॉरेस्ट, इन सब का नजारा आने के लिए वर्ड्स ही काफी नहीं है। आप देख सकते हैं छत पे भी सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है। छत से ही ओल्ड मनाली, मनाली सिटी, मनाली मार्केट एंड बस स्टैंड, ये सब दिख जाता है। ये जो नीचे रास्ता दिख रहा है, भैया बता रहे थे दिस इज मनाली ले हाईवे। ये चौक से ही लोग लेह के रास्ते को, लाहौल स्पीति को आगे जाते हैं। As this homestay is surrounded by many trees, gives amazing feeling and experience. छत पे सीटिंग अरेंजमेंट एज वेल एज कैंपिंग टेंट्स भी है। अगर कोई बाइक राइडर ग्रुप या स्मॉल स्टे के लिए मनाली में रहना चाहता है तो उनके लिए दिस इज अ परफेक्ट ऑप्शन। दिस टेंट स्टे विल कम विद द ब्रेकफास्ट।
टेंट में ठंड से बचने के लिए आपको दो स्लीपिंग बैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। होमस्टे के बाजू में उनका एक और गार्डन है। यहाँ से ही आगे एक और हाइक जाती है, तो आप अगर और ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉर्निंग ट्रैक बहुत ही बेहतरीन होता है। As we discussed earlier, we promise our audience that they will receive all the details regarding this homestay. So let's hear it from homestay owner. मेन मनाली में है, वहाँ पे एक मेन मनाली का मेन जो पुराना ब्रिज है, सबसे पुराना ब्रिज उसके सामने है। हमारे घर को पहुँचने में लगते हैं 15 से 20 मिनट, है ना। तो हमारा रूम्स है, हमारे पास जो है ना रूम है और अटैच किचन है, अटैच बाथरूम है, नहीं गर्म पानी दोनों जगह रहेगा, है ना। और व्यू दिखेगा 360 डिग्री व्यू दिखेगा हमारे वहाँ से। जब आप नीचे उतरेंगे हमारे घर से, नीचे उतरने में आपको मार्केट पहुँचे 10-11 मिनट लगेंगे, आपको 8 मिनट भी लगते किसी को तो। वैसे और हमारे घर में इंटरनेट है, 200 Mbps इंटरनेट रहेगा। जी हाँ जी, बॉनफायर भी देते हैं, हम ऑर्डर भी देते हैं। जैसे आप बोलेंगे भैया हमें बॉनफायर चाहिए, हमारे वजह से जब हम टॉप फ्लोर में जाएंगे, टॉप फ्लोर से हमारा पूरा 360 डिग्री व्यू रहेगा, पूरा दिखता है। आपने स्नो कैप माउंटेन दिखेंगे, मनाली दिखेगा, गोल्फ स्टैंड सामने दिखेगा। और हमारे वहीं से डेढ़ दो किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। हदीमा टेम्पल हुआ, वशिष्ठ हुआ, नगर वगैरह कुल्लू, नगर कुल्लू तो 2022 के करीब है। एक तो हमारे देखो कोक्सर था, अटल टनल आए शुरू में, फेमस है ना। हाँ, अटल टनल है, उसके बाद कोक्सर आएगा, उसके बाद अपना सिसु आएगा। नहीं तो वहाँ से घुमाते घुमाते हम आगे आते आते हम आपको अपना ये चंद्रभागा वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, जहाँ पे दोनों रिपोर्ट करने जाना होता है। तो उसके बाद केलोंग आएगा, केलोंग के बाद कैंपिंग में बहुत टॉप जगह आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, जिस्पा कैंपिंग है ना। yes. जिस्पा जितनी भी कैंपिंग है, मतलब बहुत फेमस है कैंपिंग। आपका अभी नंबर बताइए, फोन नंबर, सो दैट हमारी जो ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए। हमारा नंबर है 9816354397। आपका पूरा नाम? फ्रॉम मनाली। ओके, हाँ जी। आई विल लीव ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस ऑफ द होम स्टे इन अ डिस्क्रिप्शन बिलो। इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू मनाली, आई हाईली रिकमेंड यू checking it out, and don't forget to mention our channel name when you book. They might have a special offer for you. Thanks for watching, guys. Don't forget to like, subscribe and share this video with anyone who loves Manali and planning for Manali as much as we do.